सीक्रेट। रौनक ऑर्डर करता है कुछ खाने के लिए और वहां पे दसवीं क्लास का बस एक रैंडम सा बच्चा चिल रहा था, वो रहा रौनक पीटो। और भाई पूरी क्लास से पीट दी है और ये बाहर साले के और ये पिट रहा है। आज दोस्तों बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका है। सीन ये हुआ है कि अपने राघव भाई जो कैमरा मैन है वो लेट आए हैं और डीवैन को सबसे पहले आके बैठा हुआ है। भाई ओए ओए भाग रहा है, लेट क्यों आया तू भाई? गलती हो जाती है कभी कभी। जल्दी के आगे पहले मुझे बताओ कहीं जाना ना, आपको रेडी हो क्या रखे हो भाई? आदमी क्या ऑफिस पे रेडी होकर नहीं आ सकता? जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ इज्जत से नहीं रह सकता? अरे हम आपको जानते हैं, पूरी ऑडियंस आपको जानती है, आप नहीं हो सकते? तो क्या लग रहा है मैं क्यों रेडी हुआ हूँ? एनी गेस? नहीं मैं उसने नहीं रेडी हुआ हूँ, मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। कैमरा खुला रहता था तो कभी अच्छे से कपड़े पहन के तो हो जाऊं। मेरी मम्मी देखती है वीडियो, बोलती है क्या पहन रखा है? नहीं ये काट दियो। दिखा दे भाई मेरी पर्सनल मैसेज भी दिखा दे दुनिया को। तेरा काम यहाँ पे बस ये कि तू आ और पर्सनल मैसेज दिखा दे सबको। एप्पल टीवी की एड है वो, एप्पल टीवी की एड है वो ब्रो। ये ले आ जा तेरा, जा जा शॉटगन वेडिंग की एड है वो। क्या देख रहा था? साइनफील्ड। देखने में तो साइनफील्ड मैंने भी देखा, ऐसा तो नहीं था उसमें? साइनफील्ड में ऐसा है। मेरे को भी लिंक दे दे। बधाई हो दोस्तों, जिस दिन का मैं वेट कर रहा था फाइनली वो दिन आ चुका है। अब हम जा रहे हैं बनारस और ये बुकिंग चालू है। एंटर मारना, सबमिट। अबे सबमिट मार जाना चाहिए। भोसड़ी और मानूंगा, सबमिट मार भाई। होली पे ना बनारस में रेट बढ़ा दिया। वैसे हॉस्टल में था 300 रुपए का, अभी मिल रहा है भाई 800 रुपए का। बहुत 500 रुपए का भाई खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा। सबमिट नहीं यार, नहीं भोसड़ी मेरे को नहीं पता। ये बकचोदी का टाइम नहीं है। सबमिट मार, कैंसिल हो जाएगी। पर मैं सोच रहा हूँ जाके फायदा क्या है। मैं बता रहा हूँ, तू अभी वहां लद्दाख से आया है, तू उससे पहले नागालैंड गया था, तू काम से गया था, यहाँ तू सिर्फ मस्ती काटने जा रहा है, भांग पीने जा रहा है, अपने दिमाग को पर्सनली डेड करने। एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंजॉयमेंट जरूरी है। बट मैं अभी काम के बीच बहुत फंसा हुआ हूँ। हाँ। तो बीच काम के मैं मस्ती करूँ? हाँ। फिर मेरा काम और फंस जाएगा। फंसने दे ना, जो चीज फंसी हुई है वो कितना फंस सकती है। अल्लाह जब फंस गई और कर दूं पक्का। हो गए भाई, हो गए 11,000 फुक गए। इतना पास मत लाओ, वो चूचू करता है। एक तो तेरे को वाइड एंगल दे रखा है, उसमें भी तू अंदर की घुसता है वे। फील होती है भाई। नहीं भाई वो फील मत दे, तू वो वाली फील मत दे। जाना चाय लेके। पैसे दे वे, वहां तक जा रहा हूँ, बकचोदी पूरी करेगा। बिस्किट भी तो लेने, उधार कर ले। मैं बोलूंगा भैया चाय ले आओ। ले आओ उधर, वो पानी थोड़ा लाएंगे। भैया पैसे शाम को दे देंगे, इस बहाने वो शाम को आएगा, वरना वो चाय नहीं पिलाएगा शाम को, फिर दिक्कत होगी हमें ना। चाय ओए बेटे, बोल दी मैंने चाय। एक बंदा है हाँ, रिस्पेक्ट कर रहा है। कहाँ बड़ा? रिस्पेक्ट कर रहा है हाँ। वो कमेंट करना चाहता है, दिस मैन हाँ नेवर डिसअपॉइंट हाँ, और दिल बना रहा है हाँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, पर वो क्या कमेंट कर रहा है? क्या कमेंट कर रहा है? दिस मैन नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट। एक लिख रहा है, अरे गंदा लगेगा। बोल पढ़ रहा तू खाली? बोल। मैं पढ़ रहा हूँ बट असल में मजाक उड़ा रहा हूँ। तू बोल दो। मैं फनी है थोड़ा। चल मैं उड़ाऊंगा, तू बोल। अमेजिंग, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। शर्म भी नहीं आती, मतलब वो बंदा इतने प्यार से कमेंट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है मुझड़ी के, उनके प्यार के लिए। तीन बिस्किट क्यों? तेरे मतलब मेरे पैसे हैं। अबे भाई शाम को मत खाइयो, और क्या बोलूंगा? देख रहे हो तुम, ये रिकॉर्ड हुआ होगा। 5 रुपए के बिस्किट के लिए इसने अभी हंगामा खड़ा किया। इंटर्न ने मांग लिया तो रो दिया। मेरे को नहीं पता था मेरे पैसे क्या, मेरे पैसे। मैं इससे मजे ले रहा था खाली भाई, मेरा क्या? तेरा तू मुंह क्या बंद कर रहा है? क्या गांड मर गई? ठीक आ रही थी भाई। अच्छा वो फक यू मत बोलियो प्लीज यार। भाई ये बंदा अजीब है भाई, कैमरा मैन अंग्रेज ले आए हम उठा के। उस दिन ऐसे करता, फक यू फक यू, ऐसा कर रहा मैं। चोद हमारे साथ काम मत कर तू, बहुत महंगा लगा तू उस दिन हमें। तो मंकी मैजिक पे एक वीडियो डाला हुआ ऋषिकेश सोलो ट्रिप, क्योंकि डिवेंको का वीडियो है। उसमें एक रैंडम बंदा कमेंट करता है कि यार ये वीडियो फालतू है, मजा नहीं आता, ये डिवेंको में मजा नहीं है, ऐसे करके।
तो उस पे जो बंदा इसका फैन है वो क्या कमेंट करता है, उस बंदे को रिप्लाई देता है इसकी तरफ से, लिखता है चुप भोसड़ी आर्मी तैयार हुई दोस्तों आर्मी। मैं अपने स्कूल में पिटता था और पीटता था, ठीक है, अपने स्कूल में लड़ाइयां बहुत करी हैं फालतू की, बिन बात की लड़ाई, और किस वजह से कि भाई सामने वाले ने आंख उठाए क्यों देखा, समझ रहा है, ऐसी ऐसी बकचोदियां होती थी मेरे स्कूल में, और मैं लड़ता था इस बात पे कि बहन के लड़ा क्यों देख रहा है तू, मुझे बाद में रियलाइज होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ ये, तो ये मेरा सिक्स सेवन्थ में बहुत गलत एटीट्यूड था लाइफ को लेके, जो कि बाद में लोगों ने पीट पीट के ठीक कर दिया बोलने दे। हाँ तो बेसिकली इलेवंथ क्लास में मैं इसको मिला कैसे, मेरी क्लास में हम सब बैठ के घूम रहे बातें करते हैं, मैं देखता हूँ एक दूसरी क्लास का बंदा आके मेरी क्लास की लड़की से बात करता है, मेरी क्लास की सुंदर लड़की से एक दूसरी क्लास का लड़का आके बात करता है, भाई मैं और मेरे सारे दोस्त ऐसे गुस्से से देख रहे सरामी को और ये बातें कर रहा है। एक दिन अफवाह फैलती है कि रौनक ने एक दसवीं क्लास के बच्चे को पीट दिया, दसवीं क्लास के बच्चों की क्लास में घुसता है, कुंडी लगाता है और पूरी क्लास बाहर है प्लेग्राउंड में, एक बंदा है अंदर उसे पीट देता है, कुत्ता बना के पीटता है। फिर क्या होता है कि सारे लोग मिल के दसवीं क्लास का एक पूरा गैंग आता है इलेवंथ क्लास में और कैंटीन में बैठा हुआ है, वहाँ पे रौनक को कोई आइडिया नहीं है, रौनक ऑर्डर करता है कुछ खाने के लिए और वहाँ पे दसवीं क्लास का बस एक रैंडम सा बच्चा चिल्लाता है वो रहा रौनक पीटो, और भाई पूरी क्लास से पीट देती है और ये पिट रहा है बाहर साले के और ये पिट रहा है क्यों, ओह माय गॉड, पीटने के बाद क्या था मैंने क्या किया। रियलिटी ये कि रौनक ने मारा एक दसवीं क्लास के बच्चे को, उनकी क्लास के एक बच्चे को रौनक ने मारा, पर ये रौनक नहीं था, वो रौनक नाम का लड़का था। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये थी उस दिन कि इसका नाम रौनक था। ओ चूना लगा दिया। हाँ पर बोल, झूठ बोल रहा हूँ, आधा अधूरा सच है ये। अच्छा पूरा सच बोल दे। मैं तो नहीं बता रहा, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं उस चीज में। क्या है पिटा नहीं, ये झूठ है। नहीं पिटे थे भाई, बहुत सारे लोग थे वो। और हाथी मार लिया फेल के मारा। इसे मैं बताता हूँ स्टोरी। मैं अपना बाहर आइसक्रीम खा रहा था और एक लड़की के साथ ही खा रहा था, मैं ऐसे लड़कियों के साथ घूमता रहता था। अब ये लंच वाली बात है, सेम डे उसने लंच में पेल दिया, अब वो लड़का दसवीं की अपनी पूरी क्लास ले, पूरी क्लास ऑफेंड हो गई कि बहन जो क्लास में आके कैसे मार दिया, और अब वो ढूंढ रहे हैं रौनक को, अदर रौनक ऑब्वियसली। मैं तो आइसक्रीम खा रहा था ये लड़की के साथ, कट्टू रौनक आइसक्रीम खा रहा है इधर देखिए, हरामी ऐसा है, ये हरामी ऐसा है। देखो लड़की के साथ घूमने में दिक्कत थी, ये हरामी ऐसे घूमता था, ऐसे घूमता लड़की 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 मैं लड़की जली ना तेरी भी जली ना ऐसे करता था ये भोजड़ी वाला। हम कह रहे हैं श्योर श्योर, मैं बताऊं ये क्यों जल रहा है, क्योंकि ये साले अपना पैसा फूंक के लड़कियों को आइसक्रीम खिलाते थे, ऑन दी अदर हैंड लड़की अपने पैसों से मेरे को आइसक्रीम खिलाती थी। कहते गलत बात है, तूने एक्सेप्ट नहीं किया है, कह रहे झूठ बोल रहा हूं, तो तू मेरे को बीच में क्यों लेके आ रहा है मतलब मैं। अच्छा तो मैं फ्लेक्स ना करूं अब तू जब मेरे, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था एक लड़की के साथ, दूर से आते हैं 15-20 बच्चे, उसमें एक चिल्लाता है वो रहा रौनक, और फिर वो एकदम से सारे आ जाते हैं, वो फिर मेरे को पेलते हैं सर्कल बना के। फिर आप पेलने से पहले बोलते नहीं वहां पे क्या हुआ? अबे टाइम थोड़ी मिलता है ये कभी पिटा नहीं है क्या? वाह भाई मेरे कुछ बोलने का मौका नहीं, घुसा आता मुंह के अंदर। अबे नहीं मैंने भी अब तो वो बंदे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे क्या रौनक को? अरे नहीं पर उनको, मैं उसका दोस्त हूँ ना, तो उसको लगा ये भी होगा 5-6 लड़कों में। फिर एक दो लड़के आए उन्होंने छुड़वाया, वो बहन जो मारे जा रहे थे मेरे को, तो अब मेरे मुंह पे निशान निशान पड़ गए क्योंकि लड़ाई हो गई ज्यादा। अब उसके बाद क्या होता है, आपने उल्टे नहीं मारे जब पिटने थे? अबे एक आधे को पकड़ लिया मैंने, अब 20 लड़के हैं भाई, मैं 20 को थोड़ी मैं सलमान खान थोड़ी हूँ, उसे तो खा रहा होगा यूं बैठे में पकड़ने के बाद। अब क्या होता है, अब भाई वो जो लड़के 5-6 लड़कों ने पेला था उस लड़के को, अब हमारी पूरी क्लास आ जाती है, उन लोगों की पूरी क्लास आ जाती है, और बीच में टीचर पढ़ा रही है, अब लंच खत्म हो गया क्योंकि ये सब हो गया, अब टीचर पढ़ा रही है नेक्स्ट पीरियड के अंदर, हम पूरे अब कम से कम 30-40 लोग होंगे, पूरा आधा कॉरिडोर, पूरा स्कूल था तेरे पीछे, क्या बकचोदी मार रहा है, नाटा की पूरी वो थी, यश वाले बंदे थे और उससे सार्थक वगैरह थे 12वीं के, तो सारे के सारे जने चले गए। क्लास में टीचर पढ़ा रही है, गेट खोलते हैं बहन चो गुस्से में, और क्लास के बीच में टीचर पढ़ा रही है और उसको धमका के आते हैं वो लड़के उनकी क्लास को कि तुम्हारी गांड मार लेंगे। टीचर खड़ी है वहां पे, कह रही है नहीं नहीं कुछ नहीं करना मैम के सामने। फिर वहां पर और भी और सर्वर को बुलाते हैं, तो हम सब डिस्पर्स हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर शाम को फिर भाई मैं फोन करता हूँ भैया भैया को, फिर बंदे आते हैं बाहर, स्कूल के सीन होता है थोड़ा सा। हाँ हाँ झूठ बोल रहा है, क्या होता है आज तक कभी तूने मेरे को नहीं बताई कहानी, ये आज तक नहीं पता मुझे कहानी, ये इसने अभी बताई है, तूने अभी बताई पहले, ये अभी था ही नहीं, इसको दूर से दिख रहा है। पता क्या होता है, कुछ जने जो फेमस नहीं होते, अब मैं स्कूल में पॉपुलर फेमस, मेरी लाइफ अलग चल रही है, ये नीचे से देख रहे हैं मेरे को, ओ ये तो ये हो गया, तेरे को अंदर की बात थोड़ी पता है। ओ भाई साहब, ओ भाई इसने ऐसे कहानी बनाई, अभी बैठे बैठे नौटंकी पिल रहा है। तो ये तो मेरी कहानी हो गई, अब इसकी कहानी करते हैं। जब इसको मारने एक बंदा आया
ठीक है, और ये भाग के बाथरूम में छुप गया, और उसके बाद मेरे को बोला जा रहा है कि भाई वो तेरा दोस्त है, वो विनायक को पेल रहा है, देख ले उसे, बोल दे मत मार। कौन बोल रहा है? यस, तेरे को जब मारने आया था ये कब हुई? अच्छा, और कुछ बना ले बैठे बैठे, हुआ ही नहीं कुछ? श्योर, बाथरूम में छुप गया। हाँ, मुनीश राणा आया मेरे पास, उसने बोला कि भाई ठीक है, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या थी, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरी एक बार लड़ाई हुई थी बस में 10 बार, और फिर उसके बाद क्लास में हुई थी 3 बार लड़ाई हुई है मेरी। मैं अकेला 8th क्लास से 9th क्लास तक एक पूरे सेक्शन से रोज पिटता था, पर मैं कभी इसकी तरह ये नहीं कि रोज पीटता था और पिटता था, ये सीन था भाई मेरा। फिर एक हफ्ते बाद वो भी बोर हो गया और मैं भी बोर हो गया, फिर खत्म हुई कहानी। ये थे 11th में एक बार भी लड़ाई नहीं लड़ी मैंने, 12th में लड़ाई नहीं करी मैंने, लड़ाई करी है 8th में 7th में और 6th में, मैंने उसके बाद लड़ाई करना बंद कर दिया था। 9th लास्ट रही होगी। पॉइंट क्या है इस चीज का? पॉइंट ये है कि मैं नहीं पिटा था जिस ग्लोरिफिकेशन से तू पिटा था। बड़े लोगों की बड़े किस्से होते हैं। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, हाथ मिला। अबे जा चल, मानना पड़ेगा, हाथ मिला। चल भाई, गुंडा भाई, तू गुंडा है, फेमस। सही कहानी भाई, ये फेमस था, लड़कियां इसको पैसे देती थी और ये उनका घूमता था, और मैं चूतिया था अपने स्कूल में। क्यों देखते हो कमेंट्स में बताना, सही मैं क्यूरियस हूँ। मतलब ये चैनल ऐसा जोक ही शुरू किया था, पता नहीं मत कर, मेरा पेट पल रहा है इससे, मेरे जिम की फीस जा रही है, चलने दो, ये चैनल इम्पोर्टेंट है, मेंबरशिप खुलवा देना, मैं बोल रहा हूँ भाई। हर बार यही बोल रहा, लास्ट वीडियो में भी यही बोला है, अब खुल गई होगी, अब तक तो क्या पता खुल गई होगी। लाइव स्ट्रीम कर लेंगे भाई, और क्या करेंगे इससे ज्यादा, और मेंबर्स को क्या दे सकते हैं मेंबर्स के लिए? बाकी तू दे दे। चल मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम हर हफ्ते में एक, हफ्ते में एक पक्का, हफ्ते में एक हो भाई। हां तू करेगा मेन, मैं तो ट्रैवल पे होता हूं, मैं तो केरला गया हूंगा अप्रैल में, तो वहां से कर लियो, वहां से लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, तू जापान से कर लियो, एक दिन वो कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा, तू एक दिन ऐसे लाइव आ जाएंगे। हां भाई, नहीं तू है बंदा, मैं बंदा मैं जब हूंगा तब हूंगा, वरना तो ठीक है। ठीक है सर, को हम लाइव देखेंगे, मेंबरशिप आज से ओपन है, जो जो ज्वाइन करेगा उनको डिवेंको के साथ हफ्ते की एक, डिवेंको और मैं दोनों के साथ हफ्ते की एक लाइव स्ट्रीम, पर जब जब मैं अवेलेबल नहीं होगा भाई आएगा। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी कर दो, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, फिर आके मस्ती काटेंगे लाइव स्ट्रीम में। क्या करना है? बाय बोलना है, जा रहा हूँ। अगर आपको हमारे किसी मजाक का बुरा लगता है तो उसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं, मगर हम बस खुश होकर अपने आपको दोस्त समझ के हम कभी आपसे हंसी मजाक कर लेते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ डिमीनिंग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम दिल से आपको दोस्त समझते हैं, इसलिए दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए और अब सो जाइए, टाटा, सी यू, गुड बाय। भाई राघव ने इंटरव्यू लेना है, हमने बोला ले इंटरव्यू कैसे करेगा ब्लॉग के लिए, कहता तो रौनक भैया आप कितने बच्चे करोगे? कोई इंटरव्यू नहीं था, प्लानिंग क्वेश्चन था, कब बच्चे करोगे? हाँ, ये पूछ रहा है, बच्चे कब करोगे? हाँ, अरे भाई घर पे मम्मी बोलती है शादी कब करेगा? हाँ, कर ले ऐसा करके, ये बच्चे कब करोगे? क्या हो रखा भाई, क्या हो गया तेरे को राघव? अम्मा ही है, अम्मा बिल्कुल अच्छी, फक यू।